लो, मांग भर के सिंदूर लगाओ और माथे पे एक बिंदी लगाओ। ये लो। देखो कितनी झक्कास लग रही हो, पूरे घर की बहू की तरह। घर की बहू की तरह। चलो अब मजा चखाती हूँ। चलो बंगाल की बहू, आओ आओ आओ, अंदर आओ। आ जाओ। चलो कन्हैया, ये देख बहू आ गई। कहाँ है, देखो तो। वाह वाह, अति सुंदर। ये अखियां कारी कजरारी, लग रही है पूरी बंगाल की नारी। अब आया ना रूप निखर कर दुल्हन का। आह क्या बात, तुम बहुत उड़ रहे हो, मार पड़ेगा। अरे रुक जाइए, थोड़ा और क्या करूं बताइए, अग्रीमेंट है ना, थोड़ा तो ये सब जताना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा चलिए, जाइए जाइए, प्रणाम कीजिए मौसा जी को, जाइए। क्या प्रणाम उस खुजली वाले पैरों में, और कितनी बार प्रणाम करूं। एक और बार कर लीजिए। प्लीज प्लीज, थैंक यू। रहने दो बेटा, जीती रहो। बहू, वो क्या है कि कुछ मिल सकता है क्या? मतलब गला सूख रहा है इसीलिए। मैं तो यहाँ आकर गच पी रही हूँ, आप भी क्या गच पियेंगे? गच, गच का मतलब तो हाथी होता है। बेटा तुम मुझे हाथी पिलाओगी क्या? तुम क्या बोल रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी नहीं, गच का और एक मतलब है, यहाँ बस्ती में तीन बार उबली हुई चाय मिलती है, वो तीन फुट में एक गज होता है ना, इसीलिए आपका कन्हैया मुझे दो बार गच पिलाता है। कन्हैया, तू बहू को गच पिलाता है, यानी तीन बार उबली हुई चाय? छी 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 छी, बहू तुम चिंता मत करो, अब हम तीनों मिलकर इस गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे। मतलब आप क्या आप यही रहेंगे? हाँ रहूंगा तो जरूर। मौसा जी, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? बर्तन दे। क्यों, कब आ रहा है ना? कब आ रहा है क्या मतलब?
फूकूंगा ना। बर्तन दो जल्दी से। अरे ये बहू वो खांसी की एक समस्या है, थायराइड भी है और बहुमूत्र भी है। बाप रे! ए सुनिए, आपको रोगों की लिस्ट देने की जरूरत नहीं है। मेरा तो बस एक ही सवाल है, अब है क्यों? क्या? कुछ नहीं। मैं क्या कह रहा था, आप बता रहे थे ना कुछ कि आप लेकर आए हैं। आ गया, ये लीजिए। आ गया, मेरा बैग आ गया। अरे दे बहू को दे। क्या है इसमें? बहू रानी, तुम्हारे लिए तोहफा है। है क्या इसमें? लगता है बहुत सारे गहने लाए। अरे नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इसमें भर भर के चांदी के बर्तन आए हैं। ठीक है उसे, लेकिन मौसा बताइए ना, है क्या इसमें? अरे गुरु बहुत भारी है। क्या है? अरे दिखा दे ना सब निकाल कर, उसमें क्या है दिखा दे। पेड़ से तोड़ा कर लाया हूँ चार नारियल और ताल, साक्षात जगत जगनी हो। पेड़ से तोड़ा कर लाया हूँ कुछ नारियल है और कुछ ताजे फल है। इसमें गांव का दूध भी है, दाल भी लाया हूँ। तुम तो साक्षात जगत जननी हो बहू, दाल के पकौड़े बनाकर खिलाओगी ना बेटा? अरे जरूर। नौसा जी, आपको पता नहीं है आपकी ये बहुरानी है ना, ये बड़ा बड़ा पकोड़ा इतना कमाल का बनाती है। क्या बताओ? अरे बहुत अच्छा बनाती है, बताइए। क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? पगला गई है क्या? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैंने कभी जिंदगी में पकौड़े बनाया है? और वो क्या बोल रहा है कि साल वाल के? कन्हैया बहू को बोल, मैंने माँ के हाथ का खाया था, दाल की खीर और दाल के पकोड़े। क्या स्वाद था, अब तक मुंह में लगा हुआ है। बुड्ढे की पसंद तो देखो, दाल के पकोड़े खाएगा, दाल की खीर खाएगा। क्या सब बोलती रहती हैं आप, बुजुर्ग है थोड़ा तो मतलब। ओ बहू रानी, क्या हुआ? थोड़ा आओ ना। क्यों? अरे पैर के जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो ना। मुझे पैर भी दबाना होगा क्या? अरे दबा दीजिए, दर्द हो रहा है उनको, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं नहीं दबाऊंगी, कुछ नहीं है। Why don't you understand? ठीक है फिर, मैं भी चला जाऊंगा, आपको पता है कहाँ किससे क्या कहूंगा। जाओ जाओ। ब्लैकमेल कर रहे हो ना, फिर से ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे नहीं, आप समझते नहीं है, पैर में दर्द हो रहा है, दवा दीजिए, क्या चला जाएगा बताइए, क्या चला जाएगा? देखिए कुछ टाइम के लिए है वो, फिर वो चले जाएंगे। दवा दीजिए। आइए बैठिए। हाँ बेटा।
तुम भी बैठो ना बेटा। आह, साक्षात जगत जननी। एक और बात कही ना तो पैर तोड़ कर रख दूँगा। ओ रानी, क्या तुम तो साक्षात जगत जननी हो, बिल्कुल मेरी स्त्री जैसे। क्या? उसको मैं बिल्कुल भूल नहीं पाता, वो तो ऊपर जाकर बैठ गई। जब मैं आ रहा था बंटवारे के समय, तो तुम्हारी मौसी को एक बहुत बड़े अजगर ने जकड़ लिया। अरे ये देखो, फिर से बूटा फेंक रहा है। देखो देखो, क्या? हाँ, ये आदमी ना बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मारता है। एकदम मौसा जी फिर शुरू हो गए। अच्छा, फिर अरे उसके बाद फिर क्या, चारों तरफ रे रे बचाओ रे की आवाज। फिर मैंने क्या किया, मैंने सांप का बीन लिया और बजाने लगा। फिर मैंने माँ मनसा की पूजा की। उसके बाद सांप तुम्हारी मौसी को छोड़कर चला गया। हाँ, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, सब कुछ तो भक्ति है, भक्ति, समझी? सब कुछ भक्ति है। मुझे तो पता था। तुम्हें पता था का मतलब? हाँ, ठीक ऐसी ही सेम घटना मेरे साथ भी घटी थी। क्या हुआ था? अरे मैं एक बार पूरी गई थी, समुन्दर के सामने बैठी थी। अच्छा फिर? फिर वहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, वो भी इस तरह की बातें बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपने मौसा जी की बात बताती हूँ। तुम्हारे मौसा जी? हाँ, मेरे मौसा जी। अरे मेरे मौसा जी के दांत नकली थे, पूरी के समुंदर में नहाते वक्त वो दांत समुंदर में बह गए। वो कैसे? वही तो, ऐसे ही। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अगले साल जब वो मुंबई गए गणेश पूजा देखने विसर्जन के दिन, वो समुंदर में डुबकी लगा रहे थे। अचानक वही दांत वापस आ गए। कहते हैं समुंदर कुछ नहीं लेता, सब कुछ वापस कर देते हैं। हाँ? क्यों रे लड़की, तुम मुझे चाट रही हो ना? पैर। हाँ। तो बैठ जाइए ना। हाँ। कमाल है खुजली वाले मौसा जी, आप भी लाइन मार रहे हो, तगड़ा तगड़ा। छोटे वाले चलिए, क्या कर रहे हैं? हुआ क्या? हुआ क्या मतलब, सब इंतजार कर रहे हैं वहाँ दीरावन के लिए, घर का दवान आने वाला है। इतने दिनों तक नौकर बन के काम किया उस घर में, अब थोड़ा साहब वाला नया अंदाज दिखाना पड़ेगा ना। लड़के की कितनी सारी इच्छाएं हैं, सपने हैं, मालिक बनने का भूत सवार है। चलो ए, गाड़ी लाए हो ना? गाड़ी की क्या बात हो गई, आप देखे तो सही, फुल्ली लोडेड, चकाचक, एकदम एयर कंडीशन्ड। सच? सुनो ना, चलते हैं फटाफट। हाँ, फटाफट क्यों?
अरे वो क्या है ना, वो मौसा जी जो है ना, वो करने गए हैं, समझी है? वो तो प्राकृतिक बुलावे पर अपना वो का काम निपटाने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ फटाफट निकल लेते हैं। जी दीदी, ठीक है। हाँ, टाइम सिर्फ गंदी गंदी बातें, चलो। अरे जी, जी, चलिए सवार हो जाइए रथ पर। What? ये क्या है? तुमने तो कहा था कि गाड़ी लाओगे। एयर कंडीशन? एयर कंडीशन गाड़ी है ये, देखिए एकदम धूप पानी बारिश सब कुछ मिलेगा एकदम फोकट में। फोकट में समझती है, फ्री में। चलिए चलिए, इसमें बैठकर मैं अपने घर जाऊंगी। क्यों? इसी में बैठकर तो आपने ससुराल आई थी, है ना? चलिए ना, जल्दी चलिए। चलो शादी करके उसकी बीवी बन के जा रही है। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? रिक्शा की सवारी मिल रही है आपको फ्री में, और इतना कंप्लेन कर रही है, गलत है। चलिए जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं, टाइम खराब नहीं करते। बैठिए 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 बैठिए।